ये है हमारा छोटा सा टर्नरी लिथियम आयरन फॉस्फेट लिथियम आयन बैटरी का सिस्टम। तो इसकी डिटेल्स हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी 20 AH की है लिथियम आयन बैटरी का बैंक है। इस हर एक सेल इसमें जो है वो है 1200 AH मिली AH की, यानी कि 1.2 AH की हर एक सेल है। तो ये सारी सेल्स जो मिले हुए हैं मिलाए हमने सीरीज़ में, ये तीन सेल्स सीरीज़ में हैं, 1 2 3, और फिर ये सारे पैरेलल में हैं इसी तरह से, ये भी पैरेलल में हैं सारे। तो ये 3.7 वोल्ट का है की सेल है, ये भी 3.7 वोल्ट की सेल है, और ये भी 3.7 वोल्ट की सेल है। तो इन तीन को मिला के 11.2 वोल्ट बनता है, जो कि हमारा आउटपुट होता है, एक नॉमिनल आउटपुट होता है एक लिथियम आयन बैटरी का। तो इस स्ट्रिंग को मिला के ये दो स्ट्रिंग्स हैं हमारी जो हमने बनाई हुई हैं। लगभग इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें सेल्स हैं, ये सारी सेल्स पैरेलल में है। ये जो हैं ये सेल्स पैरेलल में हैं और ये तीन सीरीज में हैं। इसकी डिटेल हम दिखाएंगे आपको। इसमें एक यहाँ से BMS लगा हुआ है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसको बैलेंस करता है और सेल्स को आउट ऑफ बैलेंस नहीं होने देता है। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है इसमें, ये दिख नहीं रहा है, इस पर टेप लगा हुआ है। तो ये कैसे दिखाना है लगाना है ये हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि BMS कैसे लगाना है इस लिथियम आयन बैटरी में। तो ये फिर इसका जो लिथियम आयन बैटरी का आउटपुट जाता है वो जाता है इधर इस कन्वर्टर में। हम इसको ये फिर कन्वर्टर इसको कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट में। ये लूज हो गया थोड़ा सा, अभी हमारा कन्वर्टर जो है वो चल रहा है, यहाँ से लूज हो रहा है थोड़ा सा। तो हमारा कन्वर्टर चल रहा है, इससे हम जो है अपना कोई फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं वगैरह वगैरह। ये हम इससे मोबाइल चार्ज करेंगे स्टार्ट। ये दिखा रहा है चार्जिंग 47 वोल्ट और चार्जिंग का साइन इसमें आ गया। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, अब बंद कर दिया तो ये भी बंद हो गया, तो खोल दिया तो चार्जिंग का साइन आ गया 42%। इससे हम लैपटॉप भी चला सकते हैं और CFL ट्यूब भी चला सकते हैं, क्योंकि ये कन्वर्टर है, इससे बाकी फैन वैन नहीं चलेगा, इंडक्टिव लोड्स इससे नहीं चलेंगे। तो ये था डेमोंस्ट्रेशन कैसे हम चलाते हैं इससे। इसके बाद जो है पहले हम दिखाते हैं वोल्टेज क्या है इसकी। इसके बाद जो है हमारा जो लिथियम आयन बैटरी का आउटपुट है वो जाता है हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर में। ये लूम सोलर का लिथियम सोलर चार्ज कंट्रोलर है फ्यूजन 1012। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो ये इसका बैटरी का, ये जो बैटरी का इनपुट है इसमें, ये बैटरी का इनपुट है ये, और ये, और ये सोलर पैनल का इनपुट है जो ऊपर जा रहा है। सोलर पैनल का इनपुट ये है, और ये हमारे बल्ब का इनपुट है जो कि लोड है, इस पर हमने रखा हुआ है लोड। तो ये सोलर पैनल का इनपुट है, इस पर हमने स्विच भी डाला हुआ है। तो अभी हम पहले दिखाते हैं कि जो हमारा बैटरी का आउटपुट है वो कितना है।
20 AH की हमारी लिथियम आयरन बैटरी है। तो अभी वोल्टेज आ रही है 12.9 वोल्ट पे है, ये लिथियम आयन बैटरी यानी कि फुल चार्ज है। और सोलर से जो आ रहा है वो है 12.9 वोल्ट। असल में सोलर से 20 वोल्ट आते हैं लेकिन ये इसको कम करके फिर इस पे लेता है। 19 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से, फिर इसको कम करके 12 वोल्ट तक ये बैटरी को देता है, क्योंकि ये PWM चार्जर है, ये इस वोल्टेज को कम करता है। ये है हमारी वोल्टेज बैटरी की और ये है सोलर पैनल की वोल्टेज। अभी ठीक से नहीं लग रहा है, 19 वोल्ट। और ये लोड हमारा है जो कि हमने सीधे बैटरी से लिया है, क्यों लोड से नहीं लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, रात को बीच में बैटरी डाउन होती है तो फिर हमारा लोड नहीं चलता। तो हम इसको चला के दिखाते हैं जो DC बल्ब है, ये रात को हमें लाइटिंग के लिए लगता है। जो लिथियम सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसमें आउटपुट है, यहाँ से आप कोई भी लोड डाल सकते हो और यहाँ से कोई भी USB चार्जिंग कर सकते हो। तो जब 12 वोल्ट से नीचे जाती हैं, 11 वोल्ट से नीचे जाती हैं वोल्टेज, तो ये लोड कट ऑफ करता है, इसलिए हमने लोड डायरेक्टली बैटरी पे लगाया हुआ है। तो इससे 1 या 2 एम्पेयर की चार्जिंग होती हैं जो हमारे सोलर पैनल्स हैं ऊपर, तो ये हमारे दिन में पूरा चार्ज हो जाता है ये छोटा सा सिस्टम। तो इससे हम अपने लैपटॉप भी चला सकते हैं। तो इससे हमने एक फ़ैन भी चलाया हुआ है, छोटा सा फ़ैन है, ये हमारा फ़ैन है, हमने गैस पे लगाया हुआ है, तो इसको हम चला के दिखा सकते हैं। ये कभी गर्मी में हम यूज़ करते हैं। ये है हमारी डिटेल, सोलर ये लिथियम आयन बैटरी की डिटेल है, लिथियम आयन बैटरी का सिस्टम जो है इसकी डिटेल है। अब हम ऊपर अपने सोलर पैनल्स को दिखाते हैं। सोलर पैनल्स की तार हैं जो ऊपर जाती हैं, ये है हमारी वायर। अब हम आपको पैनल्स भी दिखाएंगे। ये है हमारे सोलर पैनल जो 20 वाट के 2 सोलर पैनल हैं, तो ये 1 एम्पेयर देते हैं पीक पे, तो 2 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती हैं जब हमारा पीक करंट होता है 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे। बाकी टाइम पे एग्रीगेट करंट लगभग हमें 1 एम्पेयर तो मिलता ही है लगभग, जब फुल सनलाइट होती है। ये फिर ये इनकी तार जो है पैरेलल में है और फिर ये नीचे जाती हैं। ये थी डिटेल हमारे छोटे से सिस्टम की। इस सिस्टम पे हम लाइट भी चार्ज करते हैं और इस पे मोबाइल भी चलाते हैं, इस पे लैपटॉप भी चलाते हैं और लाइट भी चलती है इससे, और इससे एक DC सोलर DC फैन भी चलता है और बड़ा फैन भी चला सकते हैं जो कि लवली कंपनी का होता है, बड़ा 12 वोल्ट DC सोलर फैन। ये 20 AH की बैटरी है, यानी कि लेड एसिड 40 AH इसके बराबर है, तो इसमें बहुत बैकअप होता है, ये हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती है। हमने यहाँ पे डेरे पे लगाया हुआ है ये, तो ये हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फुलफ़िल करती हैं। विंटर में यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो विंटर को हम आराम से विंटर में अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं इस सिस्टम से, तो कभी भी हमें पावर डिफिशेंसी नहीं होती है। अगर 1-2 दिन क्लाउडी डेज भी होंगे, अभी भी क्लाउडी है लेकिन 1 एम्पेयर तो आता होगा, क्लाउडी डेज 1-2 दिन हो जाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा बैटरी बैंक बड़ा है, 40 AH का है, मतलब लेड एसिड का इक्विवेलेंट अगर लेंगे तो 40 AH का है, लिथियम आयन बैटरी का है तो 20 AH का है। इसकी साइकिल लाइफ जो है 1500 है, तो 1500 साइकिल्स ये चलेगा, 5 या 7 साल चलेगा। इससे पहले हमारी लेड एसिड बैटरी थी लेकिन उसमें 1 ही साल निकल गया, फिर वो ख़राब हो गई, इसलिए हमने फिर लिथियम आयन बैटरी लगाई। ये जो लिथियम आयन कंट्रोलर हैं ये
असल में लिथियम आयरन फास्फेट के लिए यूज़ होता है, तो हमें बेहतर है कि लिथियम आयरन फास्फेट सेल्स ही हम यूज़ करें, लेकिन हम लिथियम आयरन सेल्स ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास थे। तो जब भी हमें फुल चार्जिंग होती है, हम कोई लोड ऑन करते हैं, तो फिर हमें हमारी बैटरी ख़राब नहीं होती है। हम नहीं रिकमेंड करते हैं ऐसे चार्ज करना, या तो चार्ज सेल्स का सिस्टम बनाओ लिथियम आयरन बैटरी का भी, या फिर लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी यूज़ करो। चार्ज सेल्स का सिस्टम, अगर चार सेल सीरीज़ में होंगे तो वो अच्छे से चार्ज होंगे इस सिस्टम से, लेकिन हमने 3 सेल्स का सिस्टम ही लगाया है। आगे चल के हम इसको 4 सेल्स का सिस्टम बनाएंगे।